अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रुखसाना और आप देख रहे हैं DTVNN जो कि हमारा YouTube चैनल है और साथ ही देसी टीवी फ्रॉम USA जो कि हमारा स्ट्रीमिंग चैनल है। और सामीन और नाजरीन, आज से हम एक नए चैनल का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है DesiCookingRecipes.com। और आप हमारे जो प्रोग्राम है इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे नए मज़ेदार और लजीज किस्म के खाने और इनकी तरकीब। और यही नहीं, इसके साथ साथ हमने ये भी किया है सामीन नाजरीन कि हमारी जितनी भी खानों की तरकीब होंगी मज़ेदार से खानों की, उन तमाम तरकीब को आप हमारे दूसरे चैनल्स पे भी आसानी से देख सकते हैं, जिसमें हमारा DTVNN चैनल जो है, जो यूट्यूब चैनल है, इसके साथ ही हमारा जो चैनल है DesiTV फ्रॉम USA, उस पर भी आप इन तमाम खानों की तरकीब को देख सकते हैं। और साथ ही हमारा DTV जो फ्लिक्स है उस पर भी हमारे तमाम खानों की तरकीब को आप आसानी से देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये तो था इंट्रोडक्शन और मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम आपके लिए इसी DesiTV की रेसिपी को लेकर हम आपके लिए एक नई डिश को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये बड़ी मज़ेदार और लजीज़ डिश है और आपको खाने में बनाने में बेइंतहा पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके अज्जा कि हम इस डिश में अपने कौन कौन से अज्जा को इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम बना क्या रहे हैं, आज हम बना रहे हैं माश की दाल के और मूंग की दाल के दही बड़े, जो बड़े झटपट बनेंगे, फटाफट बनेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और इसमें अज्जा भी बहुत ही कम इस्तेमाल होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने ले लिए है ये 3 पाव दही और इस दही को हमने अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स की मदद से स्मूथ। और अगर आप इसके अच्छी तरीके से आप इसको फैट लेंगे, अगर आपका दही बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ होगा तो दही बड़े भी बहुत लजीज और बहुत अच्छे बनेंगे। इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं रहना चाहिए, अच्छे तरीके से हम इसको कर लेंगे मिक्स से स्मूथ। और इसके बाद हम इसमें करेंगे ऐड, हमारे पास ये शुगर है, शुगर को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है, तकरीबन इसमें ये जाएंगी दो चम्मच डालेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 से 2.5 चम्मच हमने इसके अंदर ये ऐड कर दिया है। और इसके साथ हम इसमें मिक्स से इसको भी हिला लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि दही और शुगर जो है वो एक साथ अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए। और लिटिल बिट डालेंगे हम इसमें हल्का सा सॉल्ट का भी, ये मेरे पास है सॉल्ट, ये भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इसके अंदर नमक को भी ऐड कर दिया है और हमने इसमें शुगर को भी ऐड कर दिया, 2.5 स्पून हमने टेबल स्पून शुगर के इसमें ऐड किए हैं। जी सामने नाज़रीन, हमने इसमें 1 पिंच सॉल्ट का डाल दिया, साथ ही हम इसमें डालेंगे, हमारे पास ये 2 से 3 टेबल स्पून दूध का था, ये भी डाल देंगे ताकि हमारी जो दही की जो ग्रेवी बड़ी स्मूथ सी और लजीज सी बन जाए, बहुत ज़्यादा थिकनेस भी इसमें नहीं आए। इसके साथ हम डालेंगे हमारे पास जो थी 2 टेबल स्पून हमने लिए थे फ्रेश क्रीम के, ये भी हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि बेहतरीन सा ज़ायका आ जाए हमारे दही बड़ों का और आपको खाने में ये बहुत ज़्यादा लजीज लगे। इसी तरीके से हम इसकी स्मूथ ग्रेवी बनाएंगे। और व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने हमको ज़िंदगी और सेहत के साथ दे दिया है बरकतों वाला रमज़ान का महीना, तो अल्लाह ताला हमें इसे बारबरकत महीने में रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और नमाज़ पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और व्यूअर्स, अपना रखिएगा ढेरों ख्याल, अपनी खुशियों के साथ साथ आप रखिएगा दूसरों की खुशियों का भी ख्याल। और सिला रहमी का ये महीना है तो सबका ख्याल रखें ताकि अल्लाह ताला हमें भी इसका अजर कसीर अता फरमाए। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हम अच्छे तरीके से इसी स्टेज पर आप शुगर का लेवल चेक भी कर सकते हैं कि हमने इसमें कितनी शुगर ऐड की, और अगर इसमें कम ज़्यादा तो इसको आप उसमें इसका एडिशन कर सकते हैं। ताकि हमने ये माश की दाल के दही बड़े भी तैयार कर लिए हैं और देखिए दही के साथ हमने बड़ी ज़बरदस्त सी स्मूदी भी तैयार कर ली है। इसमें हमने दही को भी डाल दिया है, फ्रेश क्रीम को, नमक को भी डाल दिया है, दूध भी ऐड कर दिया है और ये दही बड़े बनाए हैं हमने माश की दाल से और मूँग की दाल से तैयार हमने कर लिए हैं। हम नीम गर्म पानी में हमने इसको किया था बिल्कुल लाइट सा 5 मिनट के रखा था और फिर उसको दबाकर पानी निकाल लिया था। इस तरीके से हमारे ये दही बड़े मूंग और माश की दाल के तैयार हो गए हैं। और अब हम करेंगे इसकी असेंबली। कोई भी सर्विंग डिश आप खूबसूरत से आप ले लीजिएगा और इस तरीके से अपने दही बड़ों को उसके अंदर अरेंज कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से ये आपने दही बड़ों को इसमें अरेंज कर दिया और बहुत मज़े के बहुत लजीज बनते हैं। व्यूअर्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपको बड़े यमी से और बड़े डिफरेंट से लगेंगे। और देखिए अब हम डालेंगे जो थी हमारे पास दही और इसमें हमने शुगर को भी ऐड किया, शुगर को हमने पहले पीस लिया था ताकि हमारी जो शुगर है बड़ी आसानी से डिजॉल्व हो जाए। अब हम करेंगे दही बड़ों के ऊपर अपनी दही को पोर और आप व्यूअर्स दही में कोई चीज़ शामिल नहीं कीजिएगा क्योंकि इसकी वाइटनेस ही इसकी खूबसूरती है, बाद में बाकी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तरीके से आपने ऐड कर ली है और अब हम बाकी चीज़ें जो हमने तैयार की हैं, बस हमने तैयार की हैं 3 तरह की चटनी, एक इमली की चटनी, एक खजूर की चटनी हमने बनाई है। इसमें इमली डाली है, चीनी डाली है, जीरा डाला है, सौंठ डाली है,
चीनी डालिए। तीसरी चटनी हमारे पास है ग्रीन, इसमें हमने डाला हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन, प्याज, जीरा और नमक को। और इस तरीके से हमने तीनों चटनियाँ तैयार कर ली हैं। हमारे पास है बस ये चाट पापड़ी भी, अगर आप इसे पसंद करते हो तो ऐड कीजिए। और ये है हमारे पास चाट मसाला, आपको पता है किसी भी दही बड़े की जान होता है चाट मसाला। और लोग मुख्तलिफ किस्म के चाट मसाले अपने दही बड़े पर डालते हैं, कुछ लोग इसको कुटी मिर्चों से भी तैयार करते हैं, ज़ीरे से भी तैयार करते हैं। और हमारा ये चाट मसाला होममेड है। व्यूअर्स, हमने ले लिया है एक स्ट्रेनर और हमने इसमें डाल दिया है ये चाट मसाला और हम इस तरीके से इसमें स्प्रिंकल कर लिए। बड़ा ज़बरदस्त सा तरीका होता है व्यूअर्स, देखें, और बड़ी खूबसूरती से चाट मसाला पूरे आपके अराउंड सराउंड के पूरे डल जाता है। और देखिए कितनी खूबसूरती से आ गई हमारे दही बड़ों के अंदर। और अपने जायके के मुताबिक चाट मसाला ऐड कीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा खाना है तो आप ज़्यादा स्प्रिंकल करें, अगर आप कम खाना चाहते हैं तो इसको लाइट सा स्प्रिंकल कर दीजिए। और इस तरीके से हमने चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है दही बड़ों के ऊपर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ चटनियाँ। ये चटनी हमने बनाई है खजूर के साथ और बहुत ही यमी लगेगी, बहुत ही टेस्टी आपको ये दही बड़े लगेंगे। और ये चटनी हमने बनाई इमली के साथ, सौंठ के साथ, ज़ीरा और नमक और चीनी के साथ। इस तरीके से तीसरी चटनी है हमारी हरी चटनी, ये भी बहुत मज़ा देती है दही बड़ों के साथ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इस तरीके से स्प्रिंकल कर लीजिए और देखें कितने यमी, कितने लजीज से हमारे दही बड़े हो रहे हैं तैयार। साथ ही आप चाहें तो इसमें चाट पापड़ी का भी इजाफा कर सकते हैं, इस तरीके से जैसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए कितने यमी और कितने लजीज लग रहे हैं। तो हमने चाट पापड़ी को भी ऐड कर दिया दही बड़े के अंदर और हमने बनाई है तीन डिफरेंट किस्म की चटनियाँ। इस चटनी को हमने बनाया है खजूर के साथ, इस चटनी को हमने बनाया है इमली, गुड़ और ज़ीरा, कुटी मिर्चें, नमक, सौंठ के साथ। और ये जो हमारे पास हरी चटनी, इसमें हमने ऐड किया है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन और प्याज, जीरा, थोड़ा सा सॉल्ट। इस तरीके से हमने ये तीन चटनियाँ तैयार कर ली हैं और इसको अगर आप शामिल अपने दही बड़े में शामिल करेंगे तो आप बहुत ही लजीज दही बड़े लगेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दही बड़े माश की दाल के मूंग के दही बड़े जो हो गए बिल्कुल तैयार। और देखिए देखने में कितने यमी और लजीज लग रहे हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमें आपकी बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, हमारे चैनल्स को सपोर्ट कीजिएगा। और अपना रखिएगा व्यूअर्स ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।